आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जो कि बहुत पुराना कहानी है और ये कहानी से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिए और ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है और ये वीडियो का अगर पूरा वॉच कर जाते हैं तो आपको वैल्यू समझ में आ जाएगा कि इंसान का क्या वैल्यू होता है और पैसा का क्या अहमियत होता है। आपको जो है बहुत सारा चीज़ जो है इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और लगातार जो है वीडियो को वॉच करिए। थोड़ा सा समय आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं, उससे अच्छा है कि वीडियो का पूरा वॉच करिए और देखिए इससे अगर थोड़ा सा सीख मिलता है तो हमको कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि मेरा कहानी जो है आपको कैसा लगा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कहानी क्या है आज का। मैं दोस्त इस वीडियो पर हर रोज़ जो है आप लोग जो है एक ना एक कहानी जो है आप जैसा चॉइस करिएगा वैसा मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। जैसा लाइफ से जो भी गुजरता है, जो भी घटना करता है, मैं उसके बारे में कहानी बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि कहानी क्या है। तो बहुत साल पुराना कहावत है जिसको हम आज जो है इस पर कहने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत साल पुराना बात है, तो बहुत साल पुराना बात, तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो बहुत साल पहले की बात है, एक गुरुजी थे और एक चेला था। तो गुरुजी बहुत कोशिश करते थे कि इसको हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए क्या करें नहीं करें कि लाइफ में जो है इसे बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी था, जो उनका चेला था, वो समझने के लिए तैयार नहीं था। कुछ भी चीज़ वो गुरुजी बोलते थे उसको अवहेलना कर देता था, उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। गुरुजी इस सब चीज़ से तंग आ गए थे, बोले नहीं इसको आज न आज या कल इसको सबक सिखा के रहेंगे। उसने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और जमा किया और उसने बोले सबके हाथ में जो है से 500 रुपये का नोट दिए, सबके हाथ में 500 रुपये का नोट दिए और बोले पैसा सब अपना अपना हाथ में रखो। सभी विद्यार्थी जो है से या इसको चेला बोलिए गुरुजी का, सभी जो है से बहुत ही चाव से उसको 500 रुपया जो सबको दिए थे, नया नया नोट था, वो सब जो है से बहुत चाव से हाथ में रखे हुए थे। गुरुजी ने उसको बोले ये पैसा को तुम जो है से पूरा जोर से ममोरो। सब के सब बोले गुरुजी अब क्या बात कर रहे हैं, पैसा को ममोरने के लिए बोल रहे हैं ना, आपका दिमाग सही है या खराब हो गया। गुरुजी बोले नहीं तुम पैसा को ममोरो, मतलब मचोर दो पूरा से। गुरुजी का बात सब सुन के और पैसा को बहुत मचोर दिया, इसे पूरा जो है इसे हरा नहीं पूरा मचोर दिया। फिर गुरुजी बोले पहला स्टेप खत्म हुआ, अब तुम क्या करो, ये पैसा को जो है इसे गंदा जमीन उमीन पर जो है इसको खूब रगड़ो। फिर सबको गुस्सा आ गया कि गुरुजी आखिर क्या कर रहे हैं, हम कुछ और बता रहे हैं और हमको कुछ और समझा रहे हैं। गुरुजी का बात किसी को समझ से बाहर हो गया था कि आखिर गुरुजी हम लोग को क्या समझाने वाले हैं। फिर से वो सब लोग क्या किए, 500 रुपया को जमीन में खूब रगड़े खूब रगड़े खूब रगड़े, जितना हो सके उतना पैसा को रगड़ते गया रगड़ते गया। उसके बाद जो है से फिर गुरुजी बोले ए पैसा को ले जाओ और पानी में भिजा दो। सब बोला गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, आपका दिमाग ठीक है या खराब हो गया है। यह सब घटना को देखते देखते एक उसमें से जो चेला था उसको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। अब वो नोट को क्या किया, पानी में डूबा हुआ था उसको फाड़ दिया। फिर भी गुरुजी कुछ नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुरुजी बोले सबको फाड़ दो, आधा से पैसा को फाड़ दो सब, जब एक फाड़ दिया तुम लोग भी फाड़ दो। उसके बाद जो है सब क्या किया कि और सब जो लोग थे वो पैसा को फाड़ दिए, पैसा को जो है कोई दो आधा में कोई तीन आधा में कर दिए। फिर गुरुजी बोले अभी तक बताओ तुम लोग अभी तक क्या सीखे हो। सब हैरान, बोले गुरु जी क्या सीखेंगे आपका फालतू बात से, हम लोग बोरिंग हो रहे हैं और इंटरटेनमेंट मजा आ रहा है। गुरु जी हंसते हुए बोले अरे पागल, अगर तुमको इंटरटेनमेंट लग रहा है तो ये चीज़ तुमको लाइफ में एक सबक सिखाने वाला है। तो सब शौक हो गया, आखिर पैसा से ममोर दिए, उसको मैल दिए, गंदा फंदा डाल दिए, फाड़ दिए, फिर भी पैसा से हम क्या सीखेंगे। फिर गुरु जी ने बोले ठीक है अब बताओ जो तुम पैसा फाड़े हो वही कितना का नोट है। गुरुजी 500 का नोट है, गुरुजी 500 का नोट है, तुम इसको ममोर दिया ठीक, इसको फाड़ दिया ठीक, पानी से भिजा दिया, गंदे फंदे उस पर पत्ता बालू गिट्टी जो भी उसको तुम बढ़िया से कचरा लगा दिया, फिर भी कितना खलाता है, तो 500 का। जिस तरह से
तुम पैसा को फाड़ दिए, ममोर दिए, चमोर दिए, कुछ भिजा दिए, फाड़ दे, इसका वैल्यू कितना रहा? 500। इसलिए बताते हैं इसका मूल्य जो है से तुम कुछ भी कर दिया, लेकिन इसका वैल्यू जो है से नहीं खत्म हुआ। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से अगर कोई भी आदमी अगर वो सही कर्तव्य करता है, सही अग्रस्ता पर चुनता है, सही अपना दिशा चुनता है, तो उसका वैल्यू जो है से हमेशा रहता है। भले ही उसको जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है वो हर चीज़ से अच्छा है और उस पर जो है से करोड़ों आरोप लग रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बकवास काम कर रहे हो। मान लो हम ही अगर वीडियो बना रहे हैं तो बहुत लोग करेंगे बकवास है, कुछ भी है, लेकिन यही चीज़ में अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अगर आप सही है, सही मायने से किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है से बहुत बड़ा चीज़ जो है से ये सीखने को मिलता है। जिस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि 500 का नोट का वैल्यू 500 ही रहता है, उसको हम कितना भी फाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसका मूल्य जो है से नहीं कमता है। ठीक इंसान का भी मूल्य वही होता है, जो इंसान सही है, सही मेहनत करता है, सही कर्तव्य जाता है, सही लाइन पे जाता है, सही वर्क करता है, सही किसी के साथ व्यवहार करता है, ईमानदारी से वर्क करता है, ईमानदारी से कोई भी काम करता है, तो उसका वैल्यू हमेशा जो ऐसे लाखों में से एक होता है। तो इसलिए दोस्त हमेशा लाइफ में ऐसा बनो कि आपको कोई ममोर दे, चमोर दे, आरोप लगा दे, आपको नीचा गिरा दे, लेकिन आपका वैल्यू जो है से लाखों में से एक होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भले आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपका बोली अगर ठीक है, ईमान अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप लाखों में से एक है। तो मायने हम इसलिए बोलते हैं मायने पैसा नहीं रखता है, मायने ईमानदारी रखता है, कर्तव्य रखता है। हमेशा जो है से एक ऐसा पोस्ट पोजिशन बना लो कि जिससे हर कोई को लगे कि नहीं, अगर कोई आपसे कंपेयर करे तो 10 कंपेयर करें जिसमें से आपको एक ही आदमी कंपेयर कर पाए, 9 आपके तरफ हो। ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों का जो है से प्यार आपके प्रति बनल रहेगा। कहीं पर आप जाओ तो एक ऐसा काम करो जिससे लगे कि नहीं, अनुभव की तरह है, कहीं पर कुछ भी बोलो तो ऐसा बोलो जिससे लगे कि नहीं, इसका बोली में वजन है। ऐसा नहीं कि फालतू में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो सामने वाला को ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे फेंक रहा है। मान लो कि अगर मेरे पास जो है से फूस फास का घर है या करकट का घर है या मिट्टी का घर है, अगर हम कहीं अगर जाते हैं किसी को बताते नहीं मेरे पास जो है से बहुत सारा चीज़ है, अचानक वही लोग अगर आपके गांव में आ जाते हैं या किसी कारण आपके घर पे आ जाते हैं और जितना आप झूठ बोले रहिएगा कि नहीं मेरे पास ये है, वो है, डिस है, डेट है, तो आपको वहाँ पर लोग सच भी बोलिएगा तो वहाँ पर कहेगा नहीं यार बहुत फेंकता है, मतलब आपका वहाँ मूल्य जो है से वहाँ पर कम जाएगा। इसलिए दोस्त हमेशा लाइफ में सच बोलो। अगर आप गरीब है तो बताओ मैं गरीब हूँ, दिल से कोई गरीब होता है, लेकिन अगर दिल से अगर राजा है तो बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा लाइफ में ऐसा स्टैंडर्ड पैदा करो जिसको सामने वाले को जो है से कभी आपका जो है से औकात नहीं माप सके, आपका वैल्यू का पता नहीं कर पाए। तो कुछ लाइफ में ऐसा करो, कुछ ऐसा नियम बनाओ जिससे हर कोई जो है से आप पर जो है से उम्मीद करे, भरोसा करे, और कुछ भी करने से पहले जो है से वो आपको 100 बार आपके बारे में सोचे क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ऐसा और मोटिवेट वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा कि लाइफ में मूल्य क्या होता है, मूल्य कितना पावरफुल होता है। एक जिस तरह पैसा का मूल्य होता है ठीक उसी तरह इंसान का मूल्य अगर बना लेते हैं तो आपको कोई भी दुनिया का ताकत आपको हिला नहीं सकता है। इसी को बोला जाता है मूल अधिकार या मूल्य कहिए या पावर के कुछ भी कहिए। तो पावर हमेशा जो है इसे दोस्त एक अधिकार बनाने से होता है, ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा दिखावा करने से, ज़्यादा किसी के बारे में ब्लेम ठोकने से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको एक बोली पर लगाम रखना चाहिए, और आप लाइफ में कहीं भी जाओ तो सोच समझ कर कोई भी चीज़ का डिसीजन लीजिए। इससे ये होगा कि आपको सामने वाला व्यक्ति जो है आपको बहुत केयर रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं यार। अब कहीं पर भी अगर आपके सामने कोई बहुत पैसा वाला बैठल है और आपका बोली व्यवहार अगर अच्छा है तो आप उसके सामने में आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन आप अगर आप ही खुद को जैसे वैल्यू घटा लीजिएगा, नहीं बोलने का कब क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब किसका अधिकार होता है, ये चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप जो है से लाखों दुनिया जीत कर भी हार जाइएगा। और एक दोस्त और चीज़ एक चीज़ और बता देते दोस्त, लाइफ में ऊपर तो सबको ही जाना है यानी मरना तो सबको है, तो लाइफ में कुछ ऐसा करके जाइए कि इंसान आपको मरने के बाद भी याद रखे। दोस्त फिर चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बिता लेता हूँ मैं दोस्त। इसी वीडियो में जो है से मैं
चार पांच कहानी और ऐड करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है इसे कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमको जो है से इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि हमको जो है से टाइम वॉच का जरूरी है और लंबा वीडियो बनाऊंगा तो जल्दी टाइम वॉच मेरा पूरा हो जाएगा। तो मैं सोचा क्यों नहीं एक ऐसा कहानी आप लोग को बता देता हूँ जिससे आप लोग को सीख मिले। तो वीडियो जो है से दोस्त डेढ़ घंटा का होने वाला है जिसमें हमको पाँच कहानी सुनाएंगे। जो फर्स्ट कहानी मैं आपको सुना दिया था कि मूल्य क्या होता है, पैसा का मूल्य या इंसान का मूल्य क्या होता है, एक ये कहानी जो खत्म होता है और मैं दूसरा कहानी अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरा कहानी। तो दूसरा कहानी में हम ये बताने वाले हैं कि आखिर मैं YouTube पर कैसे काम किया और क्या मतलब हमको लगा कि YouTube के जो दीवाने हो गए। पहले जो है से मैं पढ़ाई लिखाई करता था, आखिर क्या ऐसा लगा कि जिससे मैं मेरा जो है सो दुनिया ही बदल गया। जो मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आ पाता था, मैं कभी बोल नहीं पाता था, मैं अब जो है सो वो चीज़ बिंदास जो है सो बोलने लगा हूँ। मैं हमेशा डरता था कि लोगों के बीच कैसे बोल पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं YouTube के वीडियो बनाने पे हमको जो है सो बहुत सारा चीज़ को सीख मिलता है। और जब अगर आपके पास हेजिटेशन है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको हमेशा डर रहता है कि नहीं यार, जब भी हम कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो बहुत सारा लोग जो है सो हमको देखेंगे, तो उस समय क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो बहुत सारा जो है अंदर से हेजिटेशन रहता है। तो वो हेजिटेशन को हम आज जो है इसे दूर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बनल रहे, मैं आपको अपना स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको क्या होगा, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि नहीं कि कोई भी आदमी जो है इसे यूट्यूब पर वीडियो बना के पैसा कमा सकता है। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा वर्क करिएगा तो आपको अच्छा खासा इनकम भी मिल सकता है। तो दोस्त मेरे चैनल पर जो है सभी 2100 सब्सक्राइबर हो गया है, यानी 2.70 के जो है सब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो गया है और आप लोगों के दुआ से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी कि हम कैसे कैसे यूट्यूब पर हम काम किए थे। तो सबसे पहले मेरा नाम विशाल कुमार है और हम पातेपुर वैशाली के रहने वाले हैं। मैं 2017 में जो है यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं इसलिए बनाया था कि मैं अक्सर जो है दूसरा का वीडियो देखता था और बहुत ही मन में खेलाता था कि आखिर हमसे होगा या नहीं होगा। जिस समय मेरे पास थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि वीडियो कैसे बनाए, वीडियो में टाइटल कैसे होता है, थंबनेल कैसे लगता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगता है, वीडियो को शेयर कैसे किया जाता है, वीडियो में क्या सब लगता है, कितना टाइम वॉच पर पैसा मिलता है, कितना सब्सक्राइबर पर मिलता है। मैं इस वीडियो में आपको सारा जानकारी जो है अपना जर्नी के लाइफ से आपको जो है करने वाले हैं। तो मेरा शुरुआत वहाँ से होता है कि जैसे मैं हम फर्स्ट टाइम जो है मुजफ्फरपुर गया था और मुजफ्फरपुर देखे कि बहुत सारे लड़का जो है वीडियो बना रहे थे, तो मेरा भी मन था। तो हम जैसे वीडियो बनाने के लिए वहाँ पहुँचे तो बोले कि भाई तुम्हारा बस की बात नहीं है, तुमसे वीडियो नहीं बन सकता है, ये तुम्हारा बस की बात नहीं है, वीडियो बनाना कोई बच्चा का खेल नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है उस समय इतना हर्ट हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा जो है से हर्ट हुआ होगा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे हमको जो है से हम भी जो है से यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। मेरे पास उतना अच्छा फ़ोन नहीं था, मेरे पास जो है से 5000 हम पुराना फ़ोन किए थे, MI का Redmi 4 खरीदे थे, जो भी पुराना था मेरे पास वही था। तो मैं जो है से YouTube का सहारा लिया, YouTube से मैंने पूछा कि YouTube पर जो है चैनल कैसे बनता है, तो सर्च किए तो उसमें आ गया कि चैनल ऐसे बनाना है। मैं फर्स्ट टाइम जो है से Gmail ID बनाया, उसके बाद जो है से लॉग इन किया YouTube में, उसके बाद जो है से हम एक अपना अकाउंट खोले, उसके बाद जो है से हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए। उसमें फर्स्ट वीडियो जो है से मैं बनाया था जिस पर मेरा जो है से कॉपीराइट आ गया था। हमको नहीं पता था कि कॉपीराइट वीडियो पे कैसे आता है, तो मेरा कॉपीराइट आ गया था और बहुत उसमें पता ही नहीं था कि कॉपीराइट क्या होता है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम जो है हमको कॉपीराइट आ गया था और कॉपीराइट जो है से क्या होता है तो हमको पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो है से मेरे लिए बेकार चीज था, पता ही नहीं था कॉपीराइट होता है क्या। और हमको ये भी पता नहीं था कि एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करना है, अब कितना सब्सक्राइबर पर जो है से पैसा आता है और कितना जो है से हमको जैसे वॉच टाइम जो है बस कभी 10 दिन पर वीडियो बनाते थे तो कभी 15 दिन पर बनाते थे, और हमेशा जो है से हम गाना वाला वीडियो बना के डांस करके अपलोड कर देते थे। और कुछ वीडियो अगर पुराना खोल के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा जिस पर कॉपीराइट नहीं है, वो वीडियो सब बचा हुआ है। तो उस पर जो है से हम कभी 10 दिन कभी 15 दिन पर वीडियो बनाते थे। और दोस्तों हमको इतना भी जानकारी नहीं था कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है और टाइटल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है। मैं वीडियो को जो है से शूट कर लेता था और उसके बाद जो है उसमें गाना लगा देते थे और सिर्फ लिख देते थे बैटिंग विशाल का जोरदार वीडियो, बैटिंग विशाल का मजेदार वीडियो,
बैटिंग विशाल वर्सेस पातेपुर, बैटिंग विशाल वर्सेस गांव देहात, जहां वीडियो बनाते थे वहीं का बस इतना एक चीज लिख के और भेज देते थे, अपलोड कर देते थे खुद से, जो है से जो दूसरा के फोन लेके दस बार 30 बार अपने से देखते थे, देखो मेरा वीडियो है, कहीं भी जाते थे तो वीडियो देखते थे। मतलब इतना भी पता नहीं था ना कि वीडियो को हम सर्च लिस्ट में कैसे लाएं, कुछ पता ही नहीं था। और धीरे धीरे जो है से हम इस पर 10 दिन 15 दिन पर वीडियो बनाते गए, धीरे धीरे में लोगों को पता हुआ। जिस टाइम हम मुजफ्फरपुर पढ़ने के लिए गए थे और मुजफ्फरपुर हम जो है से आईकम करने के लिए गए थे और वहाँ से हम बीकम भी किए हैं, 5 साल मुजफ्फरपुर है, पढ़ाई करते थे, संडे के संडे जो है से हम बस यही सब वीडियो बनाते थे। लेकिन दोस्त हमको थोड़ा सा जानकारी नहीं था कि हम वीडियो को जो है से लाइफ में कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे आगे तक भेजेंगे, कैसे लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, थोड़ा सा भी पता नहीं था हमको। बस अपना मन से वीडियो बना रहे, बस अपने आप में खुश हो जाते थे हम वीडियो बना लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सोच ही गलत था, हमको पता ही नहीं था। 2 साल तक जो है दोस्त ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा। 2 साल जो है से बीत गया, तब हमको दिमाग में आया कि हम जो काम कर रहे हैं ना सारा का सारा गलती कर रहे हैं। फिर हमको एक दोस्त जो है से मिला और दोस्त हमको बताया, भाई तुम क्या कर रहे हो, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हो, वीडियो में बोलते बहुत हो, सब समझाते भी हो, लेकिन तुम कभी फोकस किए हो कितना साल से वीडियो बना रहे हैं, कितना टाइम वॉच पूरने पर कितना सब्सक्राइबर। बोले भाई हमको तो पता नहीं, बस हम सिर्फ वीडियो बना के डाल देते हैं। तो फिर वही दोस्त हमको बताया कि नहीं, 1000 सब्सक्राइबर 1 साल के अंदर होना चाहिए और 4000 टाइम वॉच होना चाहिए, तभी जो है से आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। और आपको जो है से 1 दिन या 2 दिन या कंटिन्यू वीडियोज पर अपलोड करना पड़ता है ताकि आपका पब्लिक जो है से कैचिंग में रहता है। जो भी वीडियो बनाइए, अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, उसके बाद जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है से तरह तरह से दोस्त हमको समझाया कि ऐसे ऐसे जो है से आप करो, तो उसके अनुसार मैं जो है से सीखे तो अच्छा लगा। फिर मैं दूसरा दिन जब वीडियो बनाया तो जहाँ 100 व्यू आता था वहाँ 200 व्यू आने लगा, जहाँ 10 व्यू मिलता था वहाँ पर 150 व्यू, थोड़ा और मन जो है से बहुत खुशी हो गया। उसके बाद जो है से धीरे धीरे सब्सक्राइबर जो है से बढ़ना स्टार्ट हो गया और मेरा जो मनोबल जो है से धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो लोग बोलते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम नहीं काम कर सकते हो, तो सच में हम कुछ पता ही नहीं था। बस मेरा मानना था ये कि जो लोग हमको मजाक उड़ाया कि यूट्यूब से तू कुछ नहीं कर पाएगा, यूट्यूब पर वीडियो बना के क्या कर सकता है, फालतू का बनाता है, बस मेरे दिमाग में जो है घुस गया। और ऐसे भी मैं थोड़ा सनकी टाइप का लड़का हूँ, जो भी कुछ हमको कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तो मैं उसको दिमाग में घुसा लेता हूँ, आखिर कैसे नहीं होगा। मैं दोस्त उस समय जो है मेरे पास नॉलेज भी बहुत कम था, मैं उस टाइम जो है शपथ ग्रहण किया कि नहीं, जिस तरह से मैं 10th, 9th, 8th, 11th पढ़ाई करके जो है से गुरु को जो है से चुन के और जब दिमाग ले रहा हूँ तो मैं इस करियर में जो है से इतना दिमाग जो है से अर्जित करूँगा, इतना नॉलेज अर्जित करूँगा ताकि इसको यूट्यूब को समझ सकता हूँ और लाइफ में जो है से वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं बता दूँ, ये मेरा जो है से ब्लॉग चैनल है और मेरा एक चैनल और है बैटिंग विशाल टेक, जिस पर हम जो है से यूट्यूब के बारे में, ऑनलाइन के बारे में टेक्नोलॉजी वीडियो जो इस पर बनाते हैं। जो समय मेरे पास नॉलेज नहीं था, अब हम जो है से अच्छा अच्छा वीडियो जो बना रहे थे। शुरुआत में हमको बहुत सारा परेशानी आया कि मैं जो है से 1 टेक में वीडियो नहीं ले पाता था, जैसे कैमरा के सामने आता था तो थोड़ा अजीब टाइप से होने लगता था, मैं सही से वीडियो नहीं बना पाता था, कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन जो है से बहुत ज़्यादा जो है से हो गया था और हमको अंदर से एजिटेशन होता था। लेकिन अब दोस्त धीरे धीरे अब अगर वीडियो पर बनाइएगा, यूट्यूब पर काम करिएगा तो आप देखिएगा कि हर रोज आपका कुछ ना कुछ जो है से वीडियो इम्प्रूव होगा, लाइफ में इतना अच्छा आप जो है से ग्रो कर सकते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। मैं वही चीज़ किया, मैं प्रत्येक दिन जो है से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जहाँ पर हमको मोबाइल लेकर सामने में किसी को डर लगता था, भाई यहाँ पर अगर मोबाइल निकालेंगे तो लोग हमको क्या कहेगा, बाप रे हमसे नहीं हो पाएगा, डर लग जाता है। मैं वहाँ पर धीरे धीरे, पहले मैं 10-5 लोगों के सामने में हाय दोस्त, हेलो दोस्त, जो मेरा क्लोज फ्रेंड था उसके सामने में वीडियो बनाना स्टार्ट करिए, फिर मैं 10-5 लड़का को लेकर चलता था, चलो भाई वीडियो बनाना है, चलो मेरे साथ रहेगा तो डर नहीं लगेगा, लोग क्या कहेगा। ऐसे करते 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 मैं अब मैं दुनिया के कोई कोना में जो है से कैमरा निकाल देता हूँ, हेलो दोस्त मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं ब्लॉगिंग करने के लिए आया हूँ, जो भी मतलब मैटर होता है मैं उस पर जो है से बिंदास जो है से बोलने लगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जर्नी में हमको सबसे पहला चीज़ ये सीखने को मिला कि कम से कम हमको तो
इतना तो आ गया ना कि हम मेरा हेजिटेशन जो अंदर का जो डर था वो हमेशा के लिए जो है से खत्म हो गया है। अब हमको दोस्त इतना भी डर नहीं लगता है, मैं अपना पापा के सामने भी वीडियो बना लेता हूँ, माँ के सामने भी बना लेता हूँ। दोस्त अभी आप देख रहे हैं मैं अपना रूम में जो है ऐसे बीच में जो होता है मैं वहाँ पे बना रहा हूँ और बगल में जो है ऐसे आदमी से बैठा हुआ है यहाँ, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल गया यार यूट्यूब बनाता है तो लोग हम पर ध्यान देना ही कम कर दिया और मैं वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि हमको वीडियो दूसरा लोग के लिए बनाना है, अपना फैमिली के लिए नहीं बनाना है। तो धीरे धीरे जो है शुरू शुरू में जो है घर से बहुत सारा डांट मिला कि क्या कर रहा है, तुमको पढ़ाई लिखाई करना नहीं है क्या, तुम्हें कुछ लाइफ में करना है कि नहीं करना। मैं सोचा अगर मैं पढ़ लिख के भी कहीं ना कहीं काम करूंगा, 30 से 20 हज़ार का महीना देगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, भर दिन ऑफिस में रहो, मोबाइल वोबाइल चलाने देगा नहीं, कभी घर में किसी का शादी ब्याह होगा तो आने देगा नहीं। इसलिए मैं सोचा मैं ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करूंगा कि हर कोई हमको देख सकता है, अरे 10, 5, 20, 100, 200 जो भी हमको देखेगा। तो बस यही मैंने जो है इसे चूज किया। और मैं बताता हूँ जब मैं काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने एक वीडियो देखिएगा जिसको 25K 26K ऐसे जो है व्यू मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है से हम इतना चीज सीखने के बाद भी जो है से लाइफ में हम 3 बार गलती किए हैं, वो भी गलती मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको क्या क्या गलती जो है से यूट्यूब पर नहीं करना है। उसके बाद जो है से वीडियो बनाते गए, तब उसके बाद जो है से मेरे जो है चैनल पर 1 GB सब्सक्राइबर पूरा हुआ। कितना साल में हुआ दोस्त? 3 साल में पूरा हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि हमको पता नहीं था कि सब्सक्राइबर क्या होता है, बस वीडियो बनाते थे आराम से सो जाते थे, मतलब काम ही नहीं करते, महीना में 2 से 3 वीडियो बनाते थे तो कैसे व्यू मिलेगा कैसे सब्सक्राइबर रहेगा हमको पता नहीं था। तो धीरे धीरे जो है हम काम करना स्टार्ट किए तो हमको जो है रिस्पॉन्स अच्छा मिला और 1 KB पूर गया। उसके बाद देखे तो 400 से 500 जो है से टाइम में वाच घंटा था तो मनोबल जो है टूट गया। फिर मैंने जो है सोचा छोट वीडियो के जगह पर लंबा लंबा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं सोचा अगर मेरा 5 ही दोस्त अगर पूरा वीडियो को देख जाता है तो 1 घंटा टाइम वाच पूरता है, तो मैं लंबा लंबा वीडियो जो है यूट्यूब पर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि मैं बहुत लंबा वीडियो है कि 1.5 घंटा का वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर 1.5 घंटा में अगर 200 भी लोग अगर देख लेते हैं तो टाइम वाच हमको जो है भर के आएगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाना है, लाइफ में कुछ करना है तो कुछ समय आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है ऐसे लंबा लंबा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है ऐसे मेरे चैनल पर 1 GB सब्सक्राइबर पूरा हो गया। उसके बाद जो है ऐसे यूट्यूब का नया जो है ऐसे प्लेटफॉर्म क्या आ गया, शॉर्ट वीडियो आ गया। तो शॉर्ट वीडियो से जैसे शॉर्ट वीडियो आया, शॉर्ट वीडियो भाई जैसे ही आपका 2 KB 3 KB 500 जो भी 1000 मिलते हैं तो 4 से 5 सब्सक्राइबर जरूर आपको गेन हो जाता है, यानी मिल जाता है। तो सब्सक्राइबर जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो सब चीज ठीक ठाक मेरे लाइफ में चल रहा था, अचानक एक ऐसा भूचाल आया जो भाई का सपना जो है से 1 साल के लिए तोड़ दिया। अब पूछेंगे 1 साल के लिए कैसे सपना टूट गया होगा, तो हम बात करते हैं 3 साल तो मेरा खत्म हो गया और 4th साल में कैसे मेरा सपना खत्म हुआ है अब हम बताते हैं। 4th साल में ये हुआ कि हमको पता नहीं था कि YouTube का जो है ऐसे कंडीशन क्या होता है। तो YouTube का कंडीशन ये होता है कि YouTube पर आप गोली बंदूक बम बारूद मर्डर करते हुए कुछ चीज़ को आप जो है ऐसे YouTube पर नहीं दिखा सकते हैं, या किसी का जो है ऐसे बार बार वीडियो आप YouTube पर लोड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो हम क्या किए एक बार जो है ऐसे हम, आपको पता ही होगा कि बिहार में एक बच्चा वायरल हुआ था जो गाली दे रहा था सबको, मैं वो वीडियो छोटा सा जो है ऐसे लगा दिया, मतलब व्यूज सब्सक्राइबर के लिए, और मेरा दिमाग को सच में नरवासा ही गया था तो मैं उसको जो है से लगा दिया। और YouTube की ओर से 1st strike जो है से मेरे चैनल पर आ गया। स्ट्राइक आने के बाद आपको पता होगा 90 दिन तक आप जो है से कुछ नहीं कर सकते, सपना टूटा। 90 दिन तक फिर मेरा मनोबल टूट गया, अब क्या करें भाई, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे फिर 4 को 5 महीना में तो उसको फिर, मतलब 4th साल का बता रहा हूँ, वीडियो जो है ऐसे बनना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरा स्ट्राइक खत्म हुआ तो हमको बहुत खुशी हुआ, टाइम वॉच मेरा पूरा था, सब्सक्राइबर भी पूरा था। मैं सोचा कल इसको मोनेटाइज के लिए फिर दूंगा, पूरा क्लीन हो गया। फिर क्या भाई, फिर एक दोस्त था उसका वीडियो जो है ऐसे हम बोला तो मेरा वीडियो अपलोड करो ना, उसका लूट कर दिए, वो बेचारा वहाँ से जो है ऐसे स्ट्राइक मार दिया। फिर मेरा 90 दिन का जो है से कहानी खत्म हो गया, कितना हुआ 6 महीना बर्बाद हो गया। और तीसरा गलती भाई हम खुद कर बैठे, वो कौन गलती आपको भी बता देते हैं।
आपको पता होगा कि यूपी में जो है ऐसे दो लोगों को जो है हत्या कर दिया गया था, बीच रोड पे गोली मार दिया था, तो सब स्टेटस लगे ले था। तो हम सोचे थोड़ा इसको लगा देते हैं शॉर्ट वीडियो में, हम लगा दिए, फिर मेरा चैनल बेस्ट आ गया। तो ऐसे करते करते मेरा जो है एक साल खत्म हो गया। तो दोस्त मैं बता देता हूँ, इसलिए मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितना मुसीबत से जो है इस पर हम उलझे हैं, कैसे कैसे इसको पार किए हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। सामने वाला तो बस ये कहता है बस वीडियो बनाया होगा, चैनल मोनेटाइज हो गया है, पैसा आता होगा, खाता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्त, बहुत पापड़ लाइफ में बेले हैं। तो ऐसा सब वीडियो जितना बताए हैं, गोली बंदूक बारूद मर्डर, ये सब वीडियो जो है सब भूल से भी नहीं बनाइएगा। खासकर तो कॉपीराइट भी अगर वीडियो बनाते हैं तो दोस्त उससे आपको फायदा है नहीं, क्योंकि कॉपीराइट पर अगर 1,00,000 भी अगर व्यू अगर आ जाता है तो वो पैसा आपको खाते पर नहीं आएगा, वो पैसा उस ऑनर को चला जाएगा जो ऑनर का जो है इसे गाना जो डाले हैं। तो अब क्या करिएगा, अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाने का शौक है, मन है, तो आप YouTube का गाना ही उसमें YouTube से गाना सुनिए और YouTube का वीडियो अपलोड करिए। या ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप जो है खुद कुछ भी नया नया चीज़ दिखाइए, पब्लिक कुछ ना कुछ आपको देखेगा। अभी नहीं कहेंगे कि आप जो है 10-50 मिलियन एक दिन में ला सकते हैं, या धीरे धीरे बूंदे बूंदे तालाब जो है बढ़ता है। ऐसे करते 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 जो है समय जो है आगे बढ़ गया। उसके बाद अब आता है मेन मुद्दा जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पिछले 2 साल से हम सही से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कहिएगा सो कैसे नहीं पा रहा है, ठीक ठाक तो दिख रहा है, आँख भी ज़्यादा लाल नहीं है। तो अभी 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे इसलिए आँख थोड़ा लाल कम है। दोस्त होता है कहना कि आप अगर 5 मिनट का कोई वीडियो अगर शूट करते हैं तो आपको उसको एडिटिंग करना पड़ता है, कहाँ पे गलत है वो उसको काट के हटाना पड़ता है। आपको पता ही होगा कि 5,000 वर्ड बोलता है डिक्शनरी में लिखने के लिए, 5,000 वर्ड को टाइप करो, थिम्बल बनाने में कितना मेहनत लगता है आपको पता है दोस्त? बहुत पता ही होगा। तो उसमें 9 बजे रात से लेके 2 बजे रात तक बस वीडियो एडिटिंग करता हूँ, थिम्बल अपलोड करता हूँ, और दिन भर जो है से मेरे पास दुकान है, दुकान चलाता हूँ, और दिन में जो है अपना वीडियो जैसे अभी शूट कर रहे हैं उसे शूट कर लेते हैं, रात का एडिटिंग करते हैं। तो दोस्त ये सब मेहनत जो है सामने वाले को दिखाई नहीं देता है। अगर अभी आप अनसक्सेस है तो आपको बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, यार यार फलनामा का बेटा जो है फालतू में भी वीडियो बनाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो इस तरह से आपको जो है बहुत सारे लाइफ में जो है कठिनाई प्रॉब्लम ताना, मैं खुद अपना माँ बाप से डेली जो है ताना सुनता हूँ कि क्या करता है, वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारा जो है और डांट सुनता हूँ। लेकिन जिस दिन अगर कामयाब अगर हो जाओगे भाई, तो वही माए बाप, वही हर कोई, रिश्तेदारी, गांव समाज कहेंगे नहीं यार हमको पता था एक दिन लाइफ में आगे जाएगा। तो अगर दोस्त अगर आपका समय खराब है, अगर वक्त खराब है, मैं यही कहूँगा मेहनत करो, इतना मेहनत करो लाइफ में, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि एक दिन ऊपर वाला को भी सोचना पड़े नहीं यार इस बंदा जो है मेहनत किया है, इसके घर हमको जाना है और इसका सपना को पूरा करना है। सपना तभी पूरा होता है दोस्त जब आप सो के नहीं सपना देखते, खुलेआम अगर आप खुल के अगर सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, आपके आँख से आंसू अगर वो चीज़ के लिए जाता है, तरप होता है, पागलपन होता है, तभी आप उस चीज़ को जो है पूरा कर सकते हैं और निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट दिन जो है हम चैनल उठाएँ बनाए और लाइफ में फेमस बने। अब हर कोई का जीवनी अगर देखिएगा तो बहुत जो है मेहनत करता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जल्दी जो है वायरल हो जाते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं मैं बताता हूँ। जिसके पास स्टूडेंट है, टीचर है, चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग को जो है बहुत सारा लोग जान पहचान रहते हैं। मान लीजिए विद्यार्थी है और या कोचिंग है, एक मास्टर जो है कोचिंग चला रहा है, उसके पास अगर 600-700 विद्यार्थी अगर है, तो सोचिए एक दिन में 600-700 सब्सक्राइबर आएंगे, 600-700 लंबा लंबा वीडियो अपलोड करेंगे, बोलेंगे जाओ तुम लोग उस पर जो है वीडियो देख लेना, हम उस पर सारी चीज़ को बता दिए हैं। उनका टाइम वॉच ऑटोमेटिक बचेगा, और जिसको पास कुछ चीज़ का कमी होता है वो सर्च करता है कि फलना सर का जो है वीडियो आदमी सर्च करता है तो उनका आ जाता है, क्योंकि वो सब वीडियो जो है अभी कम यूट्यूबर बनता है, इसलिए उन लोग का जो है टाइम वॉच ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम लोग तो टीचर है नहीं, हम लोग तो उतना पढ़ लिखल है नहीं जिससे हम लोग जो है टीचिंग करें, हम लोग जो है जैसा पढ़ाई की है जिससे कमा कर खा सकते हैं।
अब इतना बड़ा तो हम लोग महान है नहीं जिससे हर कोई जो टीचर बन सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्लॉगिंग करते हैं, दिखाते हैं। तो उस ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, बहुत रिस्की होता है, और सबसे बड़ी बात है ब्लॉगिंग इसे कहा जाता है। तो ब्लॉगिंग उस खुद से बात करना पड़ता है, उसी को जो है सिर्फ ब्लॉगिंग कहा जाता है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, खुद से बोल रहा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, खुद से बात करना, इसी को ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो ब्लॉगिंग में आपको जो है से बहुत ज़्यादा बोलना ही पड़ेगा, उसी को जो है से दोस्त ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है से लाइफ के जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा जो है से पापड़ बेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ और बता देते हैं, अगर आप लंबा अगर वीडियो बना रहे हैं तो अगर आपको 300 रुपया में 400 रुपया में अगर 1.5 GB डाटा अगर मिलता है तो उससे कुछ होता नहीं है। तो आपको दोस्त 50-100 रुपया जो सिर्फ नेट में हर रोज़ खर्चा हो जाता है। जो लोग काम नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को वीडियो अपलोड करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं अपना जो है से मुंह का अन्न छोड़ के कमी करके और क्या करते हैं वीडियो को जो है से वो अपलोड करते हैं भविष्य के लिए। जो लोग लाइफ में मेहनत करना जान गए उनको जैसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक लेगा। अभी जो है से मेरा जर्नी स्टार्ट है और मैं काम कर रहा हूँ, और ताना तो दोस्त इतना लाइफ में मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमको ये बोला हो भाई जब दिन तू सफल करेगा। सभी बोलता है लाइफ में तू कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर ठोकर लगता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाता है। जर्नी के बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ। इतना चीज़ अब आपको अगर हो जाता है, कंप्लीट अगर हो जाता है, ऐसे अगर काम करते हैं, तो मैं इतना सारा गलती करने के बाद जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अब आपका भाई जो है से कोई गलती नहीं करता है। इतना ठोकर खाया है मैं सोचा कि अगर हम बहुत ज़्यादा ठोकर खा रहे हैं तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ही ठोकर खा रहे हैं तो फिर हम इतना ठोकर खा कर आपको नहीं बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए आपको जो है से बता दिए हैं कि जो गलती हम किए हैं लाइफ में वो आप लोग नहीं करिएगा। कंटिन्यू बस दिमाग में घुसा लीजिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, वीडियो डेली बनाना है। हो सकता है आपको 50 को पसंद नहीं करें, कोई ना कोई आपको पसंद करेगा ना, क्योंकि दुनिया में सब रंग सब जैसा है। आप ही मान लीजिए कोई कोई चीज़ का भक्त है तो कोई कोई चीज़ का भक्त है। तो दुनिया में जो है से भक्ति का कमी नहीं है। कोई यूट्यूब का दीवाना है, कोई आपको भी चाहने वाला होगा, जो आपको चाहने वाला होगा वो आपका वीडियो जो है से बराबर वाच करेगा, कंटिन्यू वाच करेगा। तो दोस्त कहीं ना कहीं जो है से ये मेरा जर्नी था, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जर्नी जो है से आपको कैसा लगा होगा, क्या इतना मेहनत करने के बाद भी इंसान असफल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्त मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, कब क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, तो किस्मत का करिश्मा है कि कब क्या होगा। इसलिए लाइफ में मेहनत करना जो है से कभी नहीं चुकिए, और जो लोग बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर पाइएगा उसको इतना मेहनत करिए, उसको दिखा दीजिए कि कुछ भी कर सकता है। एक आदमी अगर चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है। तो यूट्यूब पर काम करने के लिए हमको सबसे पहले जो है से नियम कानून रेगुलेशन, डेली वीडियो बनाना, टाइम को अपलोड करना, शेयर करना, लोगों को मिलकर दिखाना, सबको मैसेज शेयर करिए और बोलिए कि भाई मेरा वीडियो देखो ना, कैसा वीडियो बनाया है, गलत है अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वाच करेगा। हर रोज़ जो है ऐसे नया नया कंटेंट दीजिए जिससे आपको लोग कि आए भाई आज विशाल भाई क्या बनाया होगा वीडियो, थोड़ा देखते हैं अब क्या कर रहा है, आज कहाँ पर गया है, वो वहाँ गया है, देखते वहाँ का क्या सीन दिखाया होगा। तो इस टाइप से अगर कुछ भी अगर आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बाय थिंकिंग वो आपके बारे में सोचेगा ही सोचेगा कि वो फलना जगह गया हुआ है तो वहाँ पर क्या दिखाने वाला है। तो इस टाइप से जो है ऐसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक वीडियो उठा लेता हूँ। मेरा यही फ़ोन है, सस्ता फ़ोन है, 14,000 का फ़ोन है, और मैं शकल पे नहीं जाता हूँ भाई, शकल कुछ नहीं मायने रखता है। अगर आप कामयाब हो जाइएगा तो यही शकल का जो है आदमी पहचान बन जाता है। तो आपके पास जैसा भी शकल हो भाई, मैं भी बहुत ख़राब हूँ, मेरा शकल भी आप देख रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं है जिससे अब जो है हम वीडियो बना के लोगों को इम्प्रेस कर सके, लेकिन हाँ शकल मैंने नहीं रखता, मैंने रखता है बुद्धि विवेक। तो लोगों को अब दिखाइए, क्योंकि आशा भोसले भी बहुत ज़्यादा काला थे लेकिन उनका आवाज़ हर कोई जो है इसे सुन रहा है। तो इस टाइप से जो है कहीं भी जाइए, वीडियो उठा लीजिए और अपना जो भी समझ में आता है बोले, जिस दिन आप यहाँ पर कैमरा उठा लीजिएगा ना, सामने वाला अगर बोलती बंद हो जाता है, मैंने प्रूफ देखा, क्योंकि
सभी को लगता है कि इससे मेरे पास नहीं, इसके पास टैलेंट है, कैमरा बीच बाजार में वही उठा सकता है, बीच बाजार में वही वीडियो बना सकता है, यूट्यूब पर वही बोलता है, इसके पास अंदर से कॉन्फिडेंस होता है। तो अपना कॉन्फिडेंस को जैसे रिमूव करिए, हटाइए और एक सही दिशा को जो है आप चूज करिए और लाइफ में एक ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसा हर रोज नया नया कंटेंट दीजिए जिससे पब्लिक जो है लगेगा नहीं यार लड़का का वीडियो भारू वीडियो आ रहा है यार, देखो तो क्या बनाया है। इस टाइप से लोगों को जो है से जो भी लोग आपको जलते हैं उस टाइप उसके बारे में एक यूनिक सा वीडियो बनाइए, ऐसा सा वीडियो बनाइए कि वो लोग जलने वाला वीडियो भी वो सबसे पहले आपका वीडियो वॉच करेंगे। अरे यार देखते हैं सर आज क्या बनाया है, गाली देकर ही बात करते हैं दूसरे लोगों को पता ही होगा, तो ऐसे करें देखो क्या बनाया है वो आपको वॉच कर लेंगे, कहेंगे यार पता किसे बोलेंगे यार वो क्या बनाता है यार उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका बुराई कहीं ना कहीं हो रहा है तो आप मकसद में कामयाब है। और याद रखिएगा जो आपको बुराई करते हैं सबसे पहले आपका वीडियो वही वॉच करेंगे, क्योंकि सबसे आगे आपको फिक्र करने वाला जो आपको तना मारते हैं, नीचा गिराते हैं, बेइज्जती करते हैं, जलील करते हैं, आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, सबसे पहले जो है से आपका वीडियो जैसे वही लोग वॉच करेंगे। हम लोग तो अच्छा आदमी तो बाद में चलो यार बाद में देख लेंगे, इसलिए कुछ लाइफ में ऐसा भी आदमी को बना कर रखिए जिससे आपको जलन होता है, सामने वाला तना मारता है, आपको देखना पसंद नहीं करता है, वो आपके बारे में सोचता है कब इसका चल जाए बर्बाद हो जाए लूट जाए बर्बाद कुछ भी हो जाए, ऐसा ऐसा जो है से लोग जो है वही लोग आपको जो है से सक्सेस करने में जो है से बहुत जो है उनका योगदान रहता है। तो मैं वैसा वैसा दोस्त को मैं दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि जो लोग हमसे जलते हैं और जल के भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो ऐसा ऐसा लोग को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप जैसा आदमी अगर पूरा दुनिया में अगर हो जाएगा तो मैं एक दिन में जो है से ऊपर जा सकता हूँ, ऊपर नहीं अच्छा लेवल पर जा सकता हूँ। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग मेरा जल के भी मेरा वीडियो को वॉच करते हैं और बोलते हैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरा असली साथी वही है जो जल के भी मेरा वीडियो को वॉच करते हैं। इस सब ये बात को कोई आदमी जो है ऐसे दिल पे नहीं लीजिएगा, मैं सबको नहीं बोला हूँ, जो लोग हर गाँव में हर एक लड़का के पीछे हर एक इंसान के पीछे कुछ लोग होते हैं जो आपका करियर से आपका काम से आपका बोली से आपका आवाज़ से आपका व्यवहार से आपका रहन सहन से आपके खाना पीना से आपसे गरीबता से आपका अमीरता से उसको प्रॉब्लम होता रहता है ना, मैं उस लोगों के बारे में बोला हूँ। सॉरी भाई आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि नहीं ऐसा चीज़ आप हमको सही से बात नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को कहा हूँ जो लोग को जो है से नफरत होता है जलन होता है, मैं वैसा लोग को जो है से बताया। तो दोस्त लाइफ में शुरू करने से अंत तक जो है से आप लोग को मैं कहानी बता ही दिया हूँ, तो अब मेरा मेन फोकस क्या है अब मैं बताता हूँ कि अब लाइफ में क्या करने वाले हैं और मेरे चैनल पर आपको जैसे क्या क्या चीज़ दिखाएगा। दोस्त ये वीडियो थोड़ा आज का लंबा बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसके बाद आपको जैसे 5 या 7 मिनट का वीडियो ही आपको जैसे उसमें ही सब चीज़ आपको सुनाई देगा, और हर एक दिन जो है से मैं आपको जो है से अच्छा 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 टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँगा, और मैं आपको ब्लॉगिंग करके मैं और मेरे पास एक चैनल और है दोस्त आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे पास वो चैनल है जिसके बारे में दुनिया में कुछ भी होता है ऑनलाइन के बारे में मैं उसका वीडियो बनाता हूँ, तो वो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो मेरा नया चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये होगा कि आपको जैसे उससे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि नहीं अगर ब्लॉगिंग से अगर मेरा चैनल इंक्रीज नहीं कर रहा है तो मैं इस पर भी काम कर सकता हूँ। तो हमेशा लाइफ में 2 गोल स्टार्स चुनिए, एक ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों पर काम करिए, ऑप्शन अगर ये नहीं काम करेगा तो ऑप्शन 2 काम करेगा। तो लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत दोस्त करना ही पड़ता है, जब आप मेहनत करिएगा तभी लाइफ में जो है आप सक्सेस बनिएगा। तो लाइफ में मेहनत करने के लिए दोस्त कभी भी पीछे नहीं हटिए, बॉडी को बर्बाद कर दीजिए मेहनत के पीछे। तो आपको बता दिए हैं कि शुरू से लेकर अभी तक जो है मेरा जर्नी था, अब हम लाइफ में क्या करने वाले दोस्त, मैं लाइफ में अब ये करने वाला हूँ कि मेरा जो ब्लॉगिंग जो आएगा वो सबसे हटके रहेगा। मेरा चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा सबसे हटके रहेगा, मैं ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि मैं कंटेंट जो है सोच रखा हूँ और इस टाइप का कंटेंट मैं दूंगा जिसको आपको समझ में नहीं आएगा कि चैनल ब्लॉगिंग का है या चैनल जो है टेक का है। एंटरटेनमेंट के साथ मैं आपको एक हर रोज जो है ऐसा ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जो कि आपको जो है दिमाग का जो है बत्ती जो है खोल देगा। अगर आप अपसेट मूड में रहते हैं
मेरा वीडियो देखकर आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप ज़्यादा अगर हैप्पी रहते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ख़राब अगर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आवर में आ जाते हैं, उस समय हमको जो है किस तरह जो है हमको रहना चाहिए। अगर लोग हमको ज़्यादा मेरे बारे में बुराई करता है, सोचता है, हमको जीने नहीं देता है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा समय, टाइम, बहुत चीज़ कर रहे हैं, वो लोग हमको जो है केयर या अपना नहीं मानते हैं, उस समय हमको जो है क्या करना चाहिए। क्या झूठ के आगे सच अगर होता है कि नहीं होता है, अगर कोई हम अगर किसी को अगर हम हर समय जो है अच्छा व्यवहार करते हैं और वो मेरे साथ जो है खराब व्यवहार करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है। मैं इस टाइप का जो है वीडियो जो है आप लोग को बना के और जो है हर रोज़ अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग को हर रोज़ जो है लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जैसा सजेशन होगा वैसा जो है आप वन क्लिक मेरा चैनल को सर्च करिएगा, बैटिंग विशाल ब्लॉग, उस पर जो है सच आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बहुत ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जिससे आपका दिमाग जो है कूल रहेगा और इसी से आपका टाइम वाच दोस्त ब्लॉगिंग करने से अच्छा है कि आप कुछ एक कंटेंट पर काम करिए, उस पर कहानी सुनाइए। आजकल लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद रहता है क्योंकि तो कहानी का जो है ऐसे वीडियो बहुत लाइव में देखिएगा, चैनल बहुत कम है, तो क्यों नहीं हम जो है यही चीज़ को जो है ग्रहण कर सकते हैं। दोस्त मैं आप देख रहे हैं कि वन टेक में उस समय से लगातार बोल रहे हैं, आधा घंटा से जो है मैं बोल रहा हूँ, बीच में स्टॉप भी नहीं किया, और जितना भी मैं बात बोला हूँ मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगा, जो सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ, इसलिए मैं वीडियो इसमें कटिंग नहीं करूँगा क्योंकि कटिंग करेंगे तो आपको चल जाएगा नहीं यार वीडियो रोक रोक कर बनाता है। मैं कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा था कि जीरो से अभी तक यही वीडियो मैं पहले बनाता था, एक मिनट का वीडियो में 20 सेकंड यार कहीं पर रुक जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, ऐसा जो है सिस्टम बंद हो गया है। बस कहीं ना कहीं हमको और कुछ नहीं तो बोलने का सैलरी मिला है, उसके बाद जो है कंटिन्यू बोलने का मिला है, कुछ चीज़ समझने का मिला है, और यूट्यूब पर काम करिएगा तो आपको हजारों नॉलेज जो है ऑटोमेटिक जो है गेन होता रहेगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि जर्नी आपको जो है कैसा लगा होगा, मेरा कहानी आपको कैसा लगा है, कहानी में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या जो मेहनत हम किए हैं उसका भगवान फल देंगे या नहीं देंगे, क्या सही है गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट का जो है इंतज़ार करूँगा, और जो गलती हम किए हैं दोस्त फिर से बता रहा हूँ वो गलती आप लोग नहीं करिए, कंटिन्यू जो है यूट्यूब पर काम करिए और लाइफ में एक दिन देखिए बहुत लाइफ में एक दिन आगे जाइएगा, इतना आगे जाइएगा आप लोग बताएंगे सर। बस हमेशा लाइफ में फोकस करिए, कंटेंट करिए और इसी पर जो है लेवल रहिए। दोस्त अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद से जो वीडियो आने वाला है वो सबसे हट के आने वाला है। दोस्त ये था मेरा जर्नी लाइफ का, जिसमें जो है इतना सारा पापड़ बेलने के बाद जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ से जो है मेरा लाइफ जो है पूरा जो है चेंज होने वाला है। अब मैं अपना लाइफ में कुछ भी करूँगा तो आप लोग थोड़ा हट के करूँगा, जो दुनिया कर रहा है वैसा नहीं करूँगा। तो दोस्त जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जर्नी आपको कैसा लगा है, और आगे का जो कहानी बताए थे वो भी कहानी जो है इसी वीडियो में इंक्लूड कर दी है। दोनों के बारे में बताइएगा कि लाइफ में मूल क्या होता है। दोस्त ये मूल्य का अधिकार से था, जो मैंने अपने आप को जो मूल समझा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, मैं अपने आप को समझा, तो मैं वो कहानी जब पढ़ा था तो हमको समझ में आया था कि हम भी कर सकते हैं, इसलिए मैं कहानी आपको पहले बता दिया हूँ और यही वीडियो में आपको बताया हूँ कि जर्नी क्या होता है। जब तक आप कोई चीज़ इंस्पायर नहीं होएगा, जब तक आप कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इसमें एक वीडियो और मैं बताने वाला हूँ जो पूरा फ्रेश रहेगा कि टाइम वॉच कैसे बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका टाइम वॉच अगर वीडियो पे नहीं आ रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई टाइम वॉच कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बहुत साधारण सा सिंपल तरीका देता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में अगर 5 मोबाइल या 10 फोन है, राइट, 10 फोन है आपके घर में, तो आप क्या करिए ना कि 10 फोन है तो 1 घंटा का रिकॉर्डिंग कुछ भी, जैसे मैं आपको इस आगे का प्रोसेस बताऊँगा वीडियो में, 1 घंटा में आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा का कुछ भी रिकॉर्डिंग कर दीजिए और वीडियो जो है बीच बीच में अपलोड कर दीजिए। ऐसे क्या होता है कि अगर आपके पास अगर 20 से 25 फोन अगर आपके हाथ में आ जाता है तो अगर आप एक फ़ोन को आप चला दीजिएगा, मान लीजिए कि आप एक दिन में 10 फोन चला रहे हैं, 1.5 घंटा का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो है,
तो आपको कितना 10 से 15 घंटा टाइम वॉच, एक दिन में एक वीडियो सो आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्त, अगर आप आज चैनल बनाए हैं तो आज से लेकर 365 दिन में एक दिन में जो है 10 घंटा टाइम वॉच चाहिए एक साल के अंदर में टाइम वॉच पूरा होने के लिए। तो आप बीच बीच में जो है लंबा लंबा वीडियो एक घंटा कुछ भी रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिए और 6 दिन जो है अच्छा अच्छा वीडियो पब्लिक के लिए बनाइए और एक दिन जो है आप खुद के लिए वीडियो बनाइए। और वीडियो क्या करिएगा उसको जो है आप इसमें छोड़ दीजिएगा, मतलब कुछ भी रिकॉर्डिंग करके जैसे हम इसमें करने वाले हैं कुछ भी रिकॉर्डिंग करके छोड़ दीजिए वो वीडियो, सिर्फ अपना जो है दोस्त बहन का फोन लेके एक घंटा जैसे रात में सोने के समय चला के छोड़ दीजिए, एक घंटा पूरा वॉच करेगा तो एक घंटा टाइम बचाएगा, डेढ़ घंटा वॉच करेगा। अगर 20 फोन से देखते हैं तो 20 को आपको जो है खुद से अपना फोन से नहीं देखना है, पापा का फोन, मम्मी का फोन हो, दीदी का फोन हो, भाई का फोन हो, 10 को दोस्त बहन तो जरूर होते ना, किसी को कुछ खिला दो पिला दो, बस डेली का जो है 15 से 20 घंटा टाइम वॉच दिमाग से ले सकते हैं। तो आप इस तरह से भी टाइम वॉच जो है आप वीडियो पर जो है बढ़ा सकते हैं, बहुत ही इजीली प्रोसेस है, स्टेप से जो है टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्त उम्मीद करता हूँ कि जानकारी जो है आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है अगर आपको मन है तो आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से हम कुछ कुछ डाल के, तो आप जैसे हम डाले हैं वैसे पूरा वॉच मेरा वीडियो कर लीजिए, आप ऐसे वॉच करके आप वीडियो को जो है आप बना सकते हैं। दोस्त उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, मेरा जो है मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा है, मेरा जर्नी कैसा लगा है, और इसी में मैं आपको इंक्लूड करने वाला हूँ टाइम वॉच कैसे बनेगा। दोस्त मैं इस वीडियो को मैं जो है एक घंटा सुपर बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं खुद के लिए बनाने वाला हूँ ताकि मैं जो प्रोसेस अभी आपको बताया हूँ वो प्रोसेस मैं खुद को अपनाने वाला हूँ टाइम वॉच के लिए। एक ऐसी तरीका है तो पैसा देने से अच्छा है जो खुद से जो है
हेलो दोस्त, मैं विशाल कुमार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप किन किन लोगों को मिलने वाला है। Order pizza from Zomato.